टेक्स्ट फॉर्मूले में हम फाइन पढ़ने जा रहे हैं। एंड फाइन फॉर्मूला में सबसे पहले फाइन फॉर्मूला की जरूरत क्या है, पहले इस चीज को जानते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने ईमेल आई लिखा kumar@iptindia.com, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला, मुझे मान लीजिए इसमें से अलग अलग करना है, मुझे इसमें से अलग अलग, मतलब कि मुझे इसमें से आईडी अलग करनी है और ईमेल अलग करना है, कि आईडी अलग हो और ईमेल अलग हो। तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मूला लेफ्ट का, लेफ्ट इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला इसमें से 5 करेक्टर को अलग कर ले, ठीक है। लेफ्ट फॉर्मूला दिया और 5 करेक्टर को मैंने यहाँ से अलग कर दिया, तो हमारे पास कुमार आ गया। लेकिन अभी तो चलो 5 करेक्टर है इसलिए हमने अलग कर लिया, लेकिन कल के रेट में हो सकता है कि करेक्टर ज्यादा हो, अब क्या करेंगे, क्या सर? डायनेमिक करना पड़ेगा इसको। हाँ, तो डायनेमिक करने के लिए कैसे करें, क्योंकि हमें एट द रेट से पहले की चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है फाइंड का, फाइंड फॉर्मूला, इससे मैं यहाँ पे एट द रेट लगाया और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और कॉमा 1। तो जिस करेक्टर को ढूंढना है वो करेक्टर दे, और यहाँ पे ए दे, बी टू जैसे हमने कर दिया टेक्स्ट, और स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, हमने 1 यहाँ पे दे दिया और एंटर मार दिया, 6 आ गया। यस, अब 6 जो आया वो एट द रेट तक का करेक्टर काउंट आया, तो मैंने 6-1 कर दिया, हो गया। अब फिर मैं यहाँ पे राइट का फॉर्मूला लगाऊंगा, राइट, और राइट फॉर्मूले में इसको सिलेक्ट करूंगा एंड कॉमा, यस नहीं फाइंड को नहीं, राइट को इसमें रख करेंगे, और फाइंड यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट लेंथ, इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उस लेंथ में से मैं माइनस कर दूंगा 6 को, हो गया सर। ए बस सर कर्सर रखना है इसमें D2 में, यस B2 लेन, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी कुछ भी हो आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो, तो डायनेमिक सेपरेट करना हो तो फाइंड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और फाइंड ये जैसा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर्च का, सर्च फॉर्मूला भी सेम फाइंड की तरह अप्लाई होता है, फाइंड की तरह वर्क करता है, फाइंड की तरह रिजल्ट देता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि आपका एक केस सेंसिटिव होता है, ओके, फाइंड केस सेंसिटिव होता है, सर्च हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है, नहीं होता, यही दोनों में फर्क है। उसके बाद 2019 अगर आप यूज कर रहे हैं तो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि कॉनकेट फॉर्मूला, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एंड टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं या बहुत सारे टेक्स्ट है, सेल वैल्यू है, इनको आपस में मुझे कॉनकेट करना था। तो याद होगा कॉनकेट करने के लिए हम लोग कॉनकेटनेट यूज करते थे, और हम यहाँ पे कॉमा करके एक एक करके सिलेक्ट करते थे, हम इसमें एक रेंज नहीं दे सकते थे, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है कॉनकेट जो कि नया आया है 2019 में, इसमें मैं पूरा रेंज दे सकता हूँ, पूरे रेंज को ये कॉनकेट कर देगा। तो सर अगर इसमें स्पेस रखना हो तो उसके लिए आप, अगर आप सेपरेटर के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट ज्वाइन में डेलिमिटर, मतलब कि सेपरेटर क्या है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया स्पेस या कॉमा, और एम्प्टी सेल को इग्नोर करना है कि नहीं करना है, मतलब जो ब्लैंक सेल है क्या उनको विजिट करना है, सॉरी इग्नोर करना है कि नहीं करना है, इग्नोर करना है तो ठीक है, इंक्लूड करना है तो फॉल्स, और उसके बाद फिर आप अपना रेंज सेलेक्ट कर लें, आवाज नहीं आ रही सर आपकी, अभी सर कुछ बोल नहीं रहा था, नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है। अरे सर ये तो अच्छा है फॉर्मूला, मुझे पता है ये 2019 में है, 16 में भी है? नहीं सर, 16 में नहीं है, सिर्फ 19 में। ओके, इसकी तो बहुत जरूरत पड़ती है फॉर्मूला की, टेक्स्ट जॉइन की तो।
तो लेकिन आप वीवीएम माइक्रो से बना सकते हैं 16 में। अच्छा ठीक है, जी, तो लेकिन अगर हम कॉन्केट की बात करें, अच्छा ये तो 2019 की बात थी, अगर 2007 की बात करें तो मेरे पास डेट ऑफ ज्वाइनिंग ए है और डेट ऑफ लीव हमारे पास ए है, ठीक है। अब मुझे दोनों को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है कि वर्किंग फ्रॉम इस तरह से, तो हम कॉन्कैटनेट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे जैसे वर्किंग फ्रॉम, और इसके साथ हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और फिर इसको लेंगे, तो रिजल्ट नंबर आएगा। इसका इसका सोल्यूशन क्या है सर? इसको कोड को चेंज कर देते हैं किसमें? डेट में, पहले तो कोड को उस तो यहां पे या हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में बताया था, शायद याद होगा आपको, वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ पे डीडी, यहाँ पे डीडी स्लैश एमएमएम स्लैश वाई वाई, ठीक है ना, जी और ये देखिए, और फिर इस, और फिर इस पे हम वो कॉन्कैट इस्तेमाल करेंगे। ओके मैं इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर रहा था। क्या बोल रहे? हाँ मैं इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर रहा था वहां अभी कर रहा था जब। ये हमारा ये आपका, देखिए जब भी आप दो सेल वैल्यू को आपस में ज्वाइन करते हैं ना, या फिर कोई भी फॉर्मेटिंग, किसी भी फॉर्मेटिंग क्यों ना लगा हो, लेकिन वो ज्वाइन जो होता है ओरिजिनल सेल वैल्यू पे होता है, और जैसे कि आप जानते हैं डेट जो है ओरिजिनल सेल वैल्यू उसका नंबर होता है, इसलिए यहाँ पे हुआ। तो जब भी आप डेट टाइम वगैरह को ज्वाइन करें तो टेक्स्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर ले, ठीक ठीक है है? जी, और कोई डाउट इसमें? नहीं क्लियर। चलिए बीस में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब देखते हो क्या क्या बचा हुआ टेक्स्ट फॉर्मूले में। ऊपर से आते हैं, डॉलर एग्जैक्ट एंड फिक्स, तीन फॉर्मूला समझ जाइए। तो डॉलर फॉर्मूला और फिक्स फॉर्मूला दोनों एक ही है। जैसे हमने कोई नंबर दिया, कोई भी अमाउंट हम लिख देते हैं, जैसे बिल वगैरह या चेक प्रिंटिंग में हम लोग ज्यादा यूज करते थे इसको, गलती से कभी कभी क्या होता है अलग अलग फॉर्मेट में चला जाता है, इस तरह का कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम चाहते हैं कि ऐसी फॉर्मेट चेंज ना हो, इसका फॉर्मेट फिक्स रहे, कोई भी इसकी फॉर्मेट को चेंज ना कर सके। तो डॉलर होता है जो कि डॉलर साइन या फिर जो भी आपका डिफॉल्ट करेंसी साइन है, अगर आपने अपना विंडोज इंस्टॉल करते समय इंडिया रीजन इंडिया लिया है तो रुपीज का साइन आएगा, लेकिन मैंने इंडिया ने यूएस लिया हुआ है तो मैं डॉलर का साइन आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप डॉलर साइन कोई भी करेंसी साइन नहीं चाहते हैं तो फिक्स होता है हमारे पास। अब फिक्स जो है एक तरह से इसको टेक्स्ट बना देता है, इस पे आप किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगा। अब बात ठीक है। करते हैं एग्जैक्ट की, जैसे राम है और यहाँ पे हमारे पास राम है, दो राम है। अगर मैं दोनों को इक्वल करूँ इस फॉर्मूले में वगैरह वगैरह में, तो ये आपका एग्जैक्ट होता है, ट्रू है। क्योंकि इफ में या लॉजिकल ऑपरेटर में केस सेंसिटिव नहीं होता है। क्या केस सेंसिटिव नहीं होता है? आपका कोई भी टेक्स्ट फॉर्मूला टेक्स केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मैच करना होगा तो तो फिर इसमें केस सेंसिटिव होगा तो ये मैच नहीं होगा फिर। हाँ, तो के तो एग्जैक्ट में हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा इसको सिलेक्ट करते हैं, दोनों अगर इक्वल हुआ तो ट्रू आएगा, अदर फॉल्स आएगा, पूरा केस को मैच करेगा सर। तो इसका यूज आपको करना पड़ेगा सर, ठीक है।
ठीक है, एग्जैक्ट मैच तो हम वी लुकअप में यूज करते हैं ना। नहीं, एग्जैक्ट जैसे कि दो कंडीशन को एग्जैक्टली मैच करना हो, पासवर्ड टाइप। ओके, इफ फॉर्मूला आप लगा रहे हो, इफ फॉर्मूला में आप दो दो करेक्टर को मैच करना चाहते हो, आप चाहते हो दोनों करेक्टर एग्जैक्ट केस में मैच हो। नॉर्मली तो नहीं करेगा ना। पासवर्ड में फिर हाँ वही कैरेक्टर हमें स्मॉल और कैप्स में रखने होते हैं। हाँ, एग्जैक्ट मैच करना हो इसी आईडी यूजर आईडी वगैरह, ठीक तो है, इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इससे नीचे बढ़ते हैं, हमने फाइंड फॉर्मूला पढ़ ही लिया है, फिक्स पढ़ ही लिया, लेफ्ट लेन लोअर मिड ये सब पढ़ चुके हैं, प्रॉपर भी पढ़ चुके हैं और राइट भी पढ़ चुके हैं, सर्च सब्स्टिट्यूट भी हो चुका है, टेक्स्ट ज्वाइन भी हो चुका है, ट्रिम भी हो चुका है, टेक्स्ट भी पढ़ा ही दिया मैंने आपको। रिपीट, इसमें आपको फॉर्मूला बदलता है नंबर वैल्यू एंड वैल्यू, नंबर वैल्यू के बाद एक और यहाँ पे वैल्यू का फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। ओके, और रिपीट का भी है। हाँ, लेफ्ट होना बताऊंगा, लेफ्ट होना रिसर्च है आपका, कोई भी नंबर अगर आपने डाल दिया टेक्स्ट में तो आपको वैल्यू फॉर्मूला से इसको आप वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर वैल्यू से आप इसको नंबर वाली में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सही समझ में नहीं आया, वैल्यू नंबर वैल्यू में। सर नंबर आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अच्छा ठीक है, समझ गया सर। तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज, इसमें ये हो गया, अब इसमें आगे बढ़ते हैं अगली चीज के लिए। इसमें हमारे पास अगला फॉर्मूला होता है टी का, जैसे हमारे पास कुछ लिस्ट है जिसमें टेक्स्ट भी है और नंबर भी है, तो मुझे नंबर अलग करना है, टेक्स्ट अलग करना है, तो टेक्स्ट के लिए आप टी का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और एन फॉर्मूला आप यहां पे लगाइए तो इसमें सिर्फ नंबर दिखेगा और टैक्स को जीरो कर देगा, राइट। अब अगला फॉर्मूला आता है रैप्ट का, जो कि जिसपे आपको होमवर्क मिलना है सर। जैसे कि हमने ए लिखा और हमने यहाँ पे रैप्ट का फॉर्मूला लगाया और बोला इस ए को पांच बार रिपीट कर दे, तो ये पांच बार रिपीट कर देगा या जितना बार बोलेंगे उतना बार रिपीट कर देगा। ओके, ठीक है। अब इसका सर ऑफिशियली यूज निकालना है, ऑफिशियली यूज, ठीक है, ठीक है ना। पता चल निकाल, आप ढूंढ लेंगे या फिर मैं बता दूं? नहीं नहीं ढूंढ लूंगा मैं, अगर नहीं ढूंढूंगा तो कल बताना, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो टैक्स कैटेगरी का फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं है, एक बार अपने तरह से रिसर्च कर लीजिएगा, कोई फॉर्मूला छूट गया हो या किसी बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना हो तो मुझे कल बता दीजिए, फिर अगली कैटेगरी हम डेट एंड टाइम पे करेंगे, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद दोनों कैटेगरी जब हो जाएगा तो इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ही बोलने वाला था आपको भी, क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे कैटेगरी है इसलिए हम दोनों का कंबाइंड टेस्ट लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप इसको यूज कीजिए, और टेक्स्ट ज्वाइन और ए आपका जो फॉर्मूला है उसके लिए आप ऑफिस ऑनलाइन ऑफिस का जो है ना वो वर्जन ले सकते हैं आप, या मोबाइल पे भी आप डाउनलोड कर ले, कभी कभी जरूरत पड़ गई तो फाइल को मोबाइल पे भेज दे और कंप्यूटर करके वापस मेल कर ले, ठीक है। ठीक है, समझ गया सर, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज मैं अपने ऑफिस में करता था, क्या होता था कि बहुत सारे फॉर्म मेरे ऑफिस में 2003 था, तो ऐसे नहीं 2007 था, और 2007 होने के कारण प्रॉब्लम क्या होती थी कि बहुत सारे फॉर्मूले जो है 2013 तक आ गए थे, 10-13 भी आ गया था, तो हमने मोबाइल उसमें एंड्रॉइड नया नया लॉन्च ही किया था सर, तो एंड्रॉइड में जो हमारा एक्सेल वर्जन होता था उसमें सब कुछ मिल जाता था सर। ओके, तो हम क्या करते थे कि फाइल को मेल करते थे, मैं मेल को अपने मोबाइल पे खोलता था, फाइल डाउनलोड करके ओपन करता था,
उसमें फॉर्मूला लगा के फिर कॉपी पेस्ट करके फिर उसको हम वापस मेल करते थे, तो फिर एक्सटेंड आ जाता था फॉर्मूला, हमारा जो काम तो काम हो जाता था। अब जैसे टेक्स्ट हाँ फाइल देख जी, लीजिए ना सर, अगर आप मैनुअल करें तो कितना टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा उसमें सर। वही तो मैं पूछा था ना सर आपसे कि उसमें अगर हमें स्पेस लेके आना नाम के बीच में तो कैसे लेके आएंगे। तो वो मैंने आपको बता दिया, आप उसको सेलफोन पे आप देखिएगा, टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला आ जाएगा सर आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।